सैड टू टेल यू कि जब भी ये दोनों आते थे ऑफिस में दिन भर खेलते थे यार, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे मैक्स के लिए तो अच्छा लगता है था, पर मुझे लियो के लिए ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि यार मैं कैसे आपको बताऊं कि उसका पैर नहीं चलता है, ठीक है, पैर एक खराब है लियो का। उसका बेस्ट फ्रेंड भी है ना मैक्स, दिन भर टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग हो गए हैं एकदम रेडी। हम जा रहे हैं पहाड़ों पे और हम मॉर्निंग हाइक के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं किसके लिए? फोटोशूट के लिए। मेरे छोनू का फोटोशूट है। तो एक ब्रांड है हेड्स अप फॉर टेल्स, आपने नाम सुना होगा उसका। तो उनका ना जब भी कोई नया कलेक्शन आता है, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हम ऑफिशियल मॉडल है ये चूहा, उनका ऑफिशियल मॉडल है ये और लियो, तो हम उसके शूट के लिए जाते हैं। तो अभी हम बस जा रहे हैं, निकल रहे हैं। हमें शूट एक्चुअली विदाउट धूप चाहिए, इसलिए हम थोड़ा अर्ली जा रहे हैं। बट 5 बज रहा है, बाहर उजाला हो गया। पता है मैं कितने महीनों बाद 5 बजे उठ रहा हूँ, और आज सौरभ आ गया, थोड़ा मोटिवेशन भी ज्यादा है मेरे पास। फटाफट से शूज पहन के हम चल रहे हैं जंगल में, मस्ती तो करेंगे। शूट तो अपना ही, हमारा मन तो था गोस्टू को भी लेके आने का। ओए आराम से, इतना एक्साइटेड है। गोस्टू को भी लाने का मन था, पर ना यार क्या है, गोस्टू करने नहीं देता यार, छूट उठ परेशान कर देता है वो। हाँ कहाँ पूरी छुपे छुपे बेटा, अच्छा आजकल तो यही सो रही है ये। हॉली बॉबले, गुड मॉर्निंग, मेरे हाथ भरे, मैं अभी प्यार करता हूँ। अबे वो नहीं हमारी गाड़ी, ये है ये, एक्साइटमेंट देना। हाँ हाँ बॉबले, इतनी एक्साइटेड। हाँ ला दो, एक बार सामान रखने दे, रुक जा, प्यार करने के लिए कह रही है। अभी अपने बेस्ट फ्रेंड से भी मिलने वाला है तू, इतने दिनों बाद जा रहे हैं ना, तो मैक्स भी एंजॉय कर रहा है। मैक्स कई महीनों बाद, लास्ट राइड पे पता कब गए थे हम जब मुंशारी गए थे कलिया डॉग, उसके बाद से लंबी ड्राइव पे नहीं गए बच्चे। अरे मैं ही नहीं था यहाँ पे, फिर बीमार पड़ गया भाई बहुत। सो अभी लियो से मिलेगा ना, अल्टीमेट मजा आने वाला है। तो दोस्तों सुबह सुबह का ग्लोरियस मॉर्निंग सन, और हम लियो का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली बाहर जाना है, हमारे डॉगी होगी लड़े ना ना, ठंडे दिल्ली से आगे कैसा लग रहा है भाई? पता नहीं है, आ गया जाओ जाओ। कहाँ हैं डॉग्स? अरे तेरी तो यहाँ पे डॉग्स हैं। आगे भैया पंगा ना हो जाए, बिचेस दिख रही है, एक डॉग है, दो बिचेस हैं, बिचेस से तो नहीं होगी लड़ाई मैक्स की। ये तो लपेटू है इस मामले में, रोमांटिक बॉय। वो आ गया, देखो लियो आ गया, वो देखो दौड़ दौड़ के आ रहा है लियो, गैंग जा रहा है, डॉग से जाने देते हैं। क्या मॉर्निंग है भाई, इतनी ऑरेंज लग रही है भाई। जाओ जाओ लियो आ गया, मिल लो। अरे लियो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे अरे बाप, अरे पूरा बब्बा मंडर आ गया धूल का। जाओ 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 गाड़ी में जाओ, दोनों को समझ भी नहीं आया अभी एकदम से क्या हुआ। अरे बाप रे, इतनी एक्साइटमेंट। अरे बाप, अरे धूल धूल, अरे भयंकर धूल उड़ा दी। हाँ जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चलो। क्या सुंदर लोकेशन है, यहाँ पे हमने शूट करना है। एक्चुअली हमने ना बारिश का मैं करना था शूट, पर बारिश हो नहीं रही है, तो अभी हम क्या करेंगे ना, इनकी फोटोज लेंगे नॉर्मल रेनकोट रेनकोट में, और फिर AI से बारिश कर देंगे। वो देख वहाँ जाता हमारे सुपर मॉडल्स भी, तो ओए पिछवाड़ा दिखा दिया ब्रांड को, गजब बेइज्जती है। बहुत सही है यार रेनकोट एक्चुअली में, बरसातों के लिए मतलब एक्चुअली बड़ा हेल्पफुल हो गए। कपड़े बनाना है ना तो खेलना है, 2 मिनट उठ जा मेरे शैतान। बहुत ही टफ हो जा रहा था लियो को कपड़े पहनाना वगैरह ना। मैक्स बेटा ऊपर को नहीं जा, नीचे आओ। सब चाटना है लियो ने, भैंस की पूछ जो मिल जाए, कैमरा लकड़ी पत्ते। ए लियो के साथ शूट करना बहुत टफ है भाई, ये शांत नहीं बैठता ना, भागना है मतलब, बैठेगा ही नहीं भाई, बैठेगा ही नहीं। मैक्स को जैसे फोटो खिंचाने खिंचा लो पता है इसके साथ तो। और सीनियर तो ऐसा था, उसको तो बोलूंगा मैं तू यहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जाएगा, मैं तू वहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जाएगा भाई। वो तो नेक्स्ट लेवल ही था। फोटो भी उसकी इन रॉक्स पे सबसे टफ लियो है, सेकंड नंबर पे गोस्ट है फोटो खिंचाने के लिए, और मक्कू एकदम बढ़िया है भाई। दोस्तों लियो ने तो हमारी फाड़ दी है ना, बस बढ़िया है भाई, तू ऐसे रहे। मैक्स के साथ ही मल्टीपल कर रहे हैं हम कपड़े चेंज, क्योंकि मैक्स रुक रहा है ना, लियो रुकता नहीं है। लियो के अंदर ना एनर्जी बहुत है, भागना है, खेलना है, दौड़ना है, पेलना है, गोबर खाना है ना, लड़ना भी है कुत्तों से। एक बार ना इसको लड़ने दे, पिलने दे इसको, पिलने के चक्कर से तो हो गया। हाँ इसको पिलने दे, उसके बाद आएगा पापा पापा करके कुत्ते देखते ही। ये भी पिलानी है मैक्स अभी तक बचपन से ना, तो अकल नहीं है। सीनियर को एक बार पेल दिया था कुत्तों ने, उसको पता लग गया था भाई लड़ाई वड़ाई वाला टाइप का नहीं हूँ मैं, वो गोश्त की शरण में आ जाता था। ये चौड़ में जाता है मैक्स, चौड़ में जाता है, गोश्त की
शॉर्ट में नेक्स्ट लेवल क्वालिटी का है ये, मतलब ये रेनकोट महंगा है थोड़ा सा, मतलब ये कितना है 1800 का है शायद, ये पर बहुत अच्छा है ये वाला, लाइट है सस्ता भी है, पर इसकी क्वालिटी इतनी तगड़ी है यार, नेक्स्ट लेवल है भाई, बट बहुत अच्छे है रेनकोट एक्चुअली ना, मैं तो खुश हूँ भाई ये तो हमें गिफ्ट मिले, बरसातों में आराम तो हो जाएगा यार, गिल तो हो ही जाते हैं, गोश्त भाई तो शूट करने आए नहीं, मूड नहीं है उसका, गर्मी हो रही है उसको, और गोश्त के साथ शूट करना है भी बड़ा डिफिकल्ट यार, एक तो उसने आजकल नया सीख लिया ना, दांत दिखाता है सबको, डरा के रखा है उसने दांत दिखा दिखा के, पता है नहीं बाबा चाटो नहीं, चाट चाट के रात में सोऊंगा, मेरे को चाटते रहेगा, रात को नींद आ गई मेरे को चाट रहे, दोस्तों शूट हो गया है भाई, बहुत मुश्किल से हुआ है, आई होप मतलब उनको हेड्स ऑफ टेल्स वालों को सही लगे एंड अप्रूव हो जाए, एक एक्चुअली दो रेनकोट्स उनको फिट आए, दो बड़े थे वो गोस्टू के साइज के थे, गोस्टू का आया नहीं, तो फिंगर्स क्रॉस जाए दोबारा ना करना पड़े यार, टफ है यार, चलो लियो इज गोइंग गाइस, लियो अब जा रहा है, बाय लियो मिलेंगे कल परसों, सामान निकाल ले पहले यहाँ, लियो बाबू कब मिलोगे तुम मेरे को, चलो मैं एक्स को लेके आऊंगा मैं तुम्हारे पास, तुम तो आ नहीं रहे हो आजकल, स्कूटी से कूद मार रहे हो, उतरना नहीं चाह रहा लियो, अरे 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 हाँ आला दो चलो कल मिलेंगे, रुको यार रुको रुको, मेरे को उतरना पड़ेगा, एक मिनट ऑफिस में आता ही नहीं लियो, एक आवाज मारूंगा आ जाएगा, अच्छा लियो 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 गाड़ी चलाएगा क्या, अच्छा आ चला लियो, भैंस की पूछ गाड़ी लेके गए लियो भाई अभी जा, अच्छा कल आऊंगा पक्का कल आऊंगा, लाडो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है ना मैक्स, दिन भर टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, अभी टाइम नहीं कर पा रहे हैं स्पेंड, आप लोग सोच रहे हो ना आजकल लियो कहाँ है, दिखता नहीं है आपको, तो इसकी कहानी है मैं सुनाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको ऑफिस जाके, कि आजकल लियो क्यों नहीं आता है भाई, यार बड़ा इमोशनल कर दिया ना, साथ आना था उसको, देखा ही है हमें जाता है बेचारा, तो साथ ही रहना ना उसको, एक्चुअली मैक्स यार बेस्ट फ्रेंड है मैक्स उसका, तो वो ऑब्वियसली मिस तो करेगा ही ना, मैक्स के पास तो लोग है ना खेलने के लिए, काली है पूरी है गोस्टू है, दिन भर घूमता है ये, दिन भर घूमता रहता है, पर लियो के पास तो सिर्फ मैक्स है ना, बस वो दिक्कत है, लियो लोनली हो गया थोड़ा सा बेचारा। हां जी दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं घर, एंड गोस्टू इज एंजॉयिंग हिज कूलर, ओ जी बापले माने क्या थे? तो मैं नहीं ले गए थे हम, तो मैं गर्मी लगती ना, डिसएग्रीमेंट कैसे दिखाता है, अपना मुंडा पैरों के बीच में डाल देगा, अरे धक्का मत मार, अरे धक्का मार रहा है, कूलर से ठंडा ठंडा तो बहुत हो रहा है भाई, कुछ भी कहो चिल्ड हवा आ रही है बिल्कुल, लोकेशन भी सही होगी कूलर की भी, पता है ये फ्रेश एयर फेंक रहा है ना, प्लस एक और फायदा हो गया भाई, अब बुआ लोग वहां बैठेंगे तो उनको ठंडा नहीं लगेगा, सबसे बड़ा टेंशन वो है ना, इसके लिए पंखा चलाओ तो बुआ का मेरे हाथ में दर्द हो गया, मेरी कमर में दर्द हो गया, अब यहाँ के घर दोस्तों बने ही नहीं ना इस हिसाब से, कूलर वूलर तो मतलब ही नहीं है, हवा बड़ी आ रही है, ठंडी हवा आ रही है बिल्कुल, देखो भैया ठाट देखो सो रही है तकिया बना के, हाँ जी ओली बापले स्ट्रेचिंग, हाँ ये भी लकड़ी भी काट दिया पूरी, टुकड़े टुकड़े पड़े, क्या नाम कालू किसी का काटू कर देना चाहिए, ओले बाप रे योगा कर लिया इसने भी, अरे बाप रे, अरे बाप हाँ करो करो खेलो खेलो, ये थप्पड़ ये देखो काटम काटी वाला गेम, बोलती क्या है यार कालू की, क्या बोलती बाबू, अब गिर जाएगी, हाँ ये इसका गेम, ये गिरने का गेम है इसका, हाँ गिर हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ लियो की कहानी, की लियो आजकल कहाँ है, वो दिखता क्यों नहीं है, क्या कर रहा है फिलहाल, आप देख रहे हो इन दोनों को क्या चाहिए है? क्या चाहिए तेरे को मेरी लाडली, कालू के साथ ना रिलेशनशिप और मतलब ज्यादा ना अच्छा अच्छा होता जा रहा है, सामान तोड़ रही है ना मेरा, अपना समझ के तोड़ रही है, कोई कॉमेंट कर रहा था भैया आपकी स्क्रीन किसने काटी, क्योंकि आपको अपना मानती है, मैंने कहा भाई ऐसा तोड़ना होता है, ऐसे तोड़ना होता है, तो दोस्तों मैं ना जब भी वीडियो बनाता हूँ, ओए तुम क्यों बैठ गया, अच्छा मेरे पास आजा, मेरे पास मेरी बेटी है, मैक्स तो नहीं है मेरा बेटा, ओए बाप रे, तो दोस्तों लियो की बात मैंने आपको बतानी थी, कि लियो आपको आजकल दिखता क्यों नहीं है ऑफिस में, हमेशा हर वीडियो में कमेंट आते हैं, जब भी मैं कोई स्टोरी डालता हूँ स्टोरी में लोग मैसेज करते हैं भैया लियो कहाँ है, लियो कहाँ है, लियो कहाँ है, लियो नहीं दिख रहा, लियो नहीं दिख रहा, तो यार दोस्तों आई एम वेरी सैड टू टेल यू कि लियो ऑफिस में अब नहीं आएगा आपसे काफी टाइम, अभी एक महीना हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि दिव्यांश ने ही मतलब ये जॉब छोड़ दी है, दिव्यांश यहाँ पे यूट्यूब वगैरह काम करता था आपको पता है, एडिटिंग वगैरह दिव्यांश ही करता था ब्लॉग की, एंड बहुत अच्छा भाई अच्छा रहा, दिव्यांश आया साल भर पिथौरागढ़ आया साल भर से, ही वॉज वर्किंग विद मी, एंड लियो उसी का डॉग है यार ऑब्वियसली, दिव्यांश हैज लेफ्ट अस, वो अब कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज अपनी जिंदगी में तलाश रहा है अपने लिए, तो अनफॉर्चुनेटली जब वो नहीं आ रहा है या तो फिर लियो कैसे आएगा ना, तो लियो भी चला गया उसके साथ ही, अभी वो पिथौरागढ़ में ही रह रहे हैं, जैसे कि आज आपने वीडियो में देखा ही, वो वीडियो शूट करना था तो मैंने दिव्यांश को बुलाया हेल्प करवाते, तो वो आया था, और लियो तो हमारा मॉडल है ही ना,
तब वो आ गया था तो लियो और मैक्स मिल लिए, नहीं तो मेरे ख्याल से 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है कि लियो मैक्स से नहीं मिल पाया है एंड अब आगे भी पता नहीं कब मिल पाएगा। मेरे को बस ना यही बुरा लगता है कि जब भी कोई छोड़ के आता ऑफिस तो यार बुरा तो लगेगा ही ना, क्योंकि मैं तो किसी को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ, आई ट्रीट देम लाइक माय ब्रदर्स। जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं भाई सब मेरे भाई हैं और हमेशा मतलब कभी भी मेरे को अगर मदद की जरूरत हुई है तो उन्होंने मेरी मदद करी है, उनको मदद की जरूरत पड़ी तो मैं सबसे पहले भाई मैंने उनकी मदद करी है। तो एक रिलेशनशिप है जो मेरे अंदर से तो मेरे दिल से तो है भाई, सामने वाले का तो मैं नहीं कह सकता बट हाँ मेरे मैं कोई भी इस ऑफिस में काम करता है मैं दिल से जुड़ता हूँ उससे। तो दिव्यांश के जाने का तो सैड है ही थोड़ा सा, उससे कहीं गुना ज्यादा मेरे को लियो के लिए है सैड, क्योंकि लियो की यार लियो बड़ा प्यारा है यार, पता है बाहर जाता था वो तो दिव्यांश कहेगा आ जा दिव्यांश की बात ही नहीं मानेगा, वो बोलेगा दा आपको मैं कहूंगा लियो कहूंगा भाई भाग के आ जाएगा, तो मेरी बात भी इतनी मानता है और आज भी मेरी बात मान रहा था वो ना, वो होता है ना किसी किसी से कनेक्शन हो जाता है। फिर लियो जिस हालत में यहाँ पे आया था फिर अभी कितना सुंदर कितना स्मार्ट हो गया कितना है ना बढ़िया सा हो गया है, दिव्यांश की शक्ल देखना जब वो आया था कैसी हालत में था, अभी थोड़ा ठीक हो गया है दिव्यांश। तो अब यहाँ ऑफिस में तो लियो नहीं आएगा, आप लोगों को भी यहाँ ऑफिस में तो नहीं दिखेगा, बस ये है कि मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ ना, ट्राई करूंगा कि मैक्स को लेके जाऊं लियो के पास, क्योंकि वो लियो को लेके तो आ नहीं पाएगा, मैं जाऊंगा मैक्स को लेके लियो के पास खेलने के लिए। मेरे को लियो के लिए जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैक्स के ना बहुत दोस्त है, मैक्स के पास गोस्ट है, ये शैतान है, मैक्स के और भी दोस्त हैं, इसकी गर्लफ्रेंड्स हैं भाई दुनिया भर की, फिर हम लोग हैं हाइक पे जाता है, तो मैक्स के पास ना बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बट लियो के पास सिर्फ मैक्स है ना, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, ये उसका बेस्ट फ्रेंड है। जब भी ये दोनों आते थे ऑफिस में दिन भर खेलते थे यार, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे मैक्स के लिए तो अच्छा लगता था पर मुझे लियो के लिए ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि यार मैं कैसे आपको बताऊं कि उसका पैर नहीं चलता है, ठीक है पैर खराब है लियो का, तो वो हाइक वगैरह पे इतना दौड़ना भागना स्निफ करना वो नहीं कर पाता है, और जबकि मैक्स को तो आपने देखा है ना पत्थर पकड़ के ला रहा है, रोज हाइक पे जाता है, मैं नहीं भी जा रहा हूं तो धरी के साथ जा रहा है, मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, दुनिया भर के कुत्तों से दोस्ती है, पड़ोस के कुत्तों से दोस्ती है, इस शैतान से दोस्ती है, इस शैतान से तो कुछ और ही चल रहा है, और ही चल रहा है, पेट इतना मोटा हो रहा है, खा गया अभी खाना खिलाया ना। तो मैक्स को तो कोई इशू नहीं है भाई, पर लियो को डेफिनेटली यार वो बेचारा किससे खेलेगा ना, आई होप उसको जहाँ रह रहा है वहां उसको दोस्त मिल जाए, बाकी आई होप कि दिव्यांश भी जिस बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में निकला है यहाँ से, आई होप वो भी बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छा करे लाइफ में, है ना। मेरे भाई हैं सारे यहाँ से, जो भी जाएगा मेरे साथ जो काम करते थे लड़के पहले, तो उनमें से एक दो लोग तो मैंने निकाले जो उतने अच्छे नहीं थे, पर जो लोग अच्छे से गए, अच्छे से यहाँ ऑनेस्टली काम करके गए, आज की डेट में मैं ही उनको इतना सपोर्ट करता हूँ, वो अच्छा कर रहे हैं, उनको मेरे सपोर्ट की जरूरत है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं बड़े भाई होने के नाते ना उनको फुल सपोर्ट करता हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, मेरे को लगता है मैं ओवरबर्डन हूं, मैं उन्हें दे देता हूँ काम कि आप लोग करो, है ना। तो एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता हूँ, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि दिव्यांश बहुत अच्छा करे लाइफ में आगे जाए, है ना, लियो का ख्याल रखे और लियो को ख्याल रखे, और कभी कभी हम घूमने जाएं स्विमिंग वुमिंग पे जाएं तो लियो को भी ले जाएंगे अपने साथ, है ना। पर डेली का डेली जो लियो और मैक्स खेलते थे इस ऑफिस में, जो चहल पहल रहती थी ना उन दोनों के उनमें से साथ में, अब वो थोड़े मिसिंग है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग भी दिव्यांश से कुछ काम कराना चाहो तो मैं एक शॉर्ट आउट दे रहा हूँ उसको, व्लॉग्स वगैरह आपने देखा अच्छा एडिट करता है, अगर आप लोग भी एस्पायरिंग यूट्यूबर हो आप अपने व्लॉग्स वगैरह उसे एडिट करा सकते हो, पर व्लॉग के पैसे पे कर सकते हो आप उसे, पर व्लॉग की एडिटिंग अब डिपेंडिंग आप कैसा व्लॉग बना रहे हो तो वो 500 रुपए से लेके 2-3 हजार रुपए पर व्लॉग एडिटिंग चार्जेस रहते हैं, तो आप करा सकते हो दिव्यांश से बात करके, उससे मेल कर देना, मेल आईडी डाल दे रहा हूँ नीचे मैं। और अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है इस तरह के काम है वो भी दिव्यांश करता है, बहुत सारे काम करता है यार, कंप्यूटर रिलेटेड एडिटिंग रिलेटेड, आपको रील वगैरह एडिट करानी है आप वो सब करा सकते हो उससे, तो उसको खूब सारा काम दो भाई को हमारे, है ना, उसको खूब सक्सेसफुल बनाओ, और उसके बाद कालू मियां को भी बनाओ, लाडली सी है ना ये, इतनी सॉफ्ट है ना, इतनी 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 सॉफ्ट है ना। अभी इसके लिए इसके टिक सिचुएशन भाई, क्योंकि ये घर पे तो रुकती नहीं है, ठीक है, रात को उसको बाहर जाना होता है, बैठ रहे क्या कह रहा हूँ तू, इसके लिए अभी हमने ना एंटी टिक स्प्रे वगैरह मंगाए जो कि बहुत नेचुरल एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने, नो टॉक्स, है ना, तो उससे क्या ना स्प्रे कर दिया करूंगा हर दूसरे तीसरे दिन, तो बहुत भाई आराम रहेगा इसमें। यार लियो को मैं तो डेली मिस करता हूँ, दिव्यांश की को मिस करता हूँ 1%,
99% में लियो को मिस करता है। छोटे सा बच्चा है ना, यही पलता पड़ रहा है, सोचो यहाँ आता नहीं है तो कितना सैड होता है ना। बस ये आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते थे, मैंने सोचा बताऊं आपको। और मैंने कहा बताने का एक रीजन ये भी था कि दिव्यांश अभी क्योंकि यहाँ से गया है ऑफिस छोड़ के सब चीजें, तो उसको हेल्प भी हो जाएगी अगर आप लोग काम उससे कराओगे। प्लस भाई उसका काम तो बढ़िया ही करता है वो, है ना। बस ये था दोस्तों, छोटी सी बात थी। क्यों मैक्स भाई चुम्मा चाटी मेरे सामने सामने, व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस बहुरानी, तुम ससुर जी के सामने सब। इसको ना गिरना बहुत अच्छा लगता है, गिर जाऊं मैं, गिर जाऊं मैं किचन। पिथौरागढ़ की ये कहानी है, ये एक दोस्ती की, एक है लेब्रा मैक्स और दूसरा हस्की घोस्टी की, दोनों बेजुबान मस्ती में पूरे शैतान की, कहानी को दिखाया द हिमालयन हस्की की।